डेट तो हर महीने समय पे ही आ रहे थे, इस महीने डेट निकल गया अभी तक नहीं आए। 2-3 दिन ऊपर भी चढ़ गए, अब मैं क्या करूं? कहीं गलती से मुझे प्रेगनेंसी कंसीव तो नहीं हो गई? नहीं नहीं मैंने प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो यूज किया था, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पीरियड मिस कैसे हो सकता है? मैंने सारे प्रिकॉशन यूज किए थे, पीरियड मिस होने का कोई चांस ही नहीं है। ओ नो, अभी तक पीरियड नहीं आया। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? पीरियड मिस हो गए हैं, डेट निकल चुकी है, 2-3 दिन ऊपर चढ़ गए हैं, कहीं आपको ये डर है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है? तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुमन और आज मैं बात करने वाली हूँ पीरियड को जल्दी लाने की उपाय, मेडिसिन या दवा, जो भी आप कह लीजिए। सबसे पहले बताने वाली हूँ आपको कि आपकी पीरियड किस कारण नहीं आते हैं। अगर आपको इनमें से कोई कारण नहीं है तो फिर मैं मेडिसिन बताऊंगी, आप मेडिसिन को लीजिए और आपकी पीरियड। आज मैं आपको टोटल 12 या 13 कारण बताने वाली हूँ जिसके कारण से पीरियड मिस हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं, अगर आपका हार्मोन का इनबैलेंस हो गया है बॉडी में, इस वजह से आपकी पीरियड मिस हो सकती है। आपको थायराइड है, शुगर है, PCOD है, या फिर न्यूली आप मदर बने हैं, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी को आपने जन्म दिया है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, इस वजह से भी पीरियड आपकी मिस हो सकती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा तनाव ले रही हैं, स्ट्रेस में रात भर आप सो नहीं रही हैं, टाइम पे आप खाना पीना नहीं खा रही हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में है। हो सकता है आपको कोई ट्यूमर हो, सिस्ट बन गया हो, पॉलिप हो, फाइब्रॉइड हो, या फिर आपका मीनोपोज बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया हो, मीनोपोज की तरफ आप जा रही हो, या आपको क्रॉनिक डिजीज़ हो, मीनोपोज की तरफ अगर आप जा रही हो, या फिर आपका यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, नीचे की तरफ आ गया है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बिल्कुल कम हो गया है, या फिर आप ओवरवेटेड हैं, तो भी इस कंडीशन में आपकी पीरियड मिस हो सकती है। अगर इनमें से कोई कारण नहीं है तो फिर मैं आपको रूल नंबर 1, 2, 3 बताने वाली हूँ और ये फॉलो कीजिए तुरंत आपकी पीरियड। रूल नंबर 1, आपको पहले कुछ हल्का नाश्ता कर लेना है ताकि टैबलेट लेने के बाद आपको वोमिटिंग की टेंडेंसी ना हो, वोमिटिंग जैसा फील ना हो। रूल नंबर 2, आपको ये टैबलेट मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम लेने हैं। रूल नंबर 3, ये टैबलेट आपको 5 दिनों के लिए लेने हैं, सुबह और शाम, और उसके बाद आपको 10 दिन के अंदर अंदर पीरियड आ जाएगा। अब जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि टैबलेट का नाम। नॉर्थस्ट्रॉन 5 मिलीग्राम के नाम से ये इजीली अवेलेबल है, ये इसका कॉम्पोजिशन नेम है और इसका ब्रांड नेम बहुत सारे नाम से ही मार्केट में अवेलेबल है। रजिस्ट्रॉन 5 MG के नाम से आप इसको लीजिएगा, इजीली मिल जाएगा आपको, इसका मिस यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ, आप मेरे को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस टाइप से और वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ।